चैलेंज का 19वां डे है और ये अकाउंट देख सकते हो मेरा वही मास्टर अकाउंट है रियल, इसका काफ़ी ट्रेडिंग अकाउंट भी बना है। जैसे कि देख सकते हो जो मैंने ट्रेड लगाया था उसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो क्या स्टॉप लॉस फिट हो गया। तो मैंने जो बताया था कि ये अग्रेसिव ट्रेड है, खास कोई एविडेंस भी नहीं था, उसका रीज़न क्या था जैसे कि नॉर्मली से हम बता दें। देखिए यहाँ पे मैंने सप्लाई एरिया, जो सप्लाई एरिया निकाला था, कहीं ना कहीं मार्केट और ये डिमांड इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी, बट क्या ऊपर की साइड ब्रेक कर गया। अब जो नॉर्मल से ब्रेक कर गया तो इस वजह से ऊपर चला गया, तो मेरा एसएल खा गया। फिलहाल ये तो मिस्टेक थी। फल अब इस वीक का हम देखते हैं क्या वो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर देखा जाए 13 नवंबर से वीक, तो देखा जाए इस वीक कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन $1 से $2 प्रॉफिट हुआ, तो भी बहुत है इतना, यानी एक हिसाब से देखा जाए 1% लगभग आसपास 1% प्रॉफिट हुआ अपने फंड का। तो बट स्मॉल फंड पे इतना बहुत है, और ओवरऑल हम चेक आप भी करना चाहते हो तो खुद से आप चेक कर सकते हो, चीज़ें मैं हाइड वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी कॉपी मास्टर अकाउंट ही ये बना है, तो इसलिए वही अकाउंट है, देख सकते हो। अभी इसकी ग्रोथ 97% ऑलमोस्ट, यानी जिन 1 लाख रुपये से अगर स्टार्टिंग में कॉपी किया होता तो 1 लाख का 1 लाख प्रॉफिट हो गया होता, जितना बड़ा तो फंड होता जितना बड़ा रिस्क लेते, बट अपने ओन रिस्क पर ही कॉपी करें। और मेरी ये आईडी लगभग 301 डेज से चल रही है, $133 इक्विटी है, ये देख सकते हो नॉर्मली। सो सारी चीज़ें दी हुई हैं, बाकी ऑल टाइम देख सकते हो, ऑल टाइम जो मेरी ग्रोथ है 97%, यानी $528 प्रॉफिट हुआ, जिसमें स्टॉप लॉस को $430, तो भी यानी ओवरऑल प्रॉफिट ही है 97%, यानी फंड डबल। ये चार्ट वगैरह देख सकते हो, और यहाँ पे आर्डर भी देख सकते हो जो मैंने इस वीक आर्डर लिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया उस तरह, तो आप सोचो कि मैं सेल भी देखना चाहता हूँ कितने आर्डर हैं, तो इजीली देखो ये यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्लोज आर्डर दिखाएंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन आर्डर, यहाँ पे बैलेंस मैंने डिपॉजिट विड्रॉ क्या क्या किया, ये देख सकते हो। ये यूएसडी का ये देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो अभी मैंने आपको दिखाया अपना डायरी जिससे मैं ट्रेड लेता हूँ, तो ये देख सकते हो यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस, उसके पहले यूएसडी पॉइंट प्रॉफिट हुआ था, फिर ये तो सारे हिस्ट्री मेरे देख सकते हो। मेरे जितने भी ट्रेड हैं स्टॉप लॉस के ही साथ होते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस पर ट्रेड नहीं होता, इसलिए अकाउंट आपके सामने है। आप देख सकते हो कितने बार मैं विड्रॉ भी ले चुका हूँ, $7 विड्रॉ, फिर $19 विड्रॉ, और फिर यहाँ पे देख सकते हो $27 विड्रॉ, यानी जितना मैंने डिपॉजिट किया था उतना पैसा मैं निकाल चुका हूँ, $11 विड्रॉ, तो लगभग ऑलमोस्ट निकाल चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अब विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब जब से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इसको बड़ा फंड बनाना है, फिलहाल स्लोली स्लोली ऐसे ही है। अब ये सब दिखाने का मकसद मेरा फ्रेंड यही होता है कि आप जो गैम्बलिंग करते हो, सट्टाबाजी करते हो, तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, अगर बिजनेस की तरह करोगे, देखो अकाउंट मेरा देखा जाए अकाउंट कितने दिन से चल रहा है, क्या हुआ 0 हुआ 301 दिन से, यानी ऑलमोस्ट देखा जाए 1 साल से चल रहा है, 0 नहीं होता भाई अगर डिसिप्लिन और वो है। बाकी देखो मैं गलतियां भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं अपना पोजीशन साइजिंग जो है वो एकदम डिसिप्लिन में रख रहा हूँ, यानी कि गैम्बलिंग करके बहुत बड़े फुल मार्जिन मार दिए। तो अगर आप नॉलेज नहीं भी है लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड अगर मैनेज करो, तो अकाउंट 0 तो नहीं होता यार, आपके सामने ही रिजल्ट है, आईडी पब्लिक है, आप इसलिए देख सकते हो। बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम, नेक्स्ट लाते हैं चैलेंज का मंडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।